बात कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखी गई है, उसकी दूसरी कहानी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुकेश की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मुकेश इज द सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर मतलब जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, उसे हम सेंट्रल कैरेक्टर कहते हैं। तो मुकेश जो है कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, दूसरी कहानी एक्चुअली सेकेंड स्टोरी। आप सभी जानते हो, यदि आपने पढ़ा हो तो दो स्टोरीज हैं उसमें, जिसमें पहला है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, जिसमें कि साहिब आलम कैरेक्टर है, आप उसका भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हम फिलहाल मुकेश की बात कर रहे हैं, जो कि दूसरी कहानी का मेन कैरेक्टर है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आइए आगे बढ़ते हैं। ही लिव्स इन फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद में रहता है, जो कि एक शहर है नियर बाय दिल्ली, ए सिटी नियर बाय दिल्ली, जो दिल्ली के पास एक शहर है। लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, यानी जितने भी लोग फिरोजाबाद में रहते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल वो बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं, चूड़ी बनाने का। तो लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, हिज फैमिली ऑल्सो मेक्स बैंगल्स, उसका परिवार भी चूड़ियाँ बनाता है। ही इज़ अ वेल डिटरमाइंड यंग बॉय, वेल डिटरमाइंड कहा गया, वेल डिटरमाइंड मतलब जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, मतलब जो सोचे वो करे, वेल डिटरमाइंड यंग बॉय, युवा लड़का है। हिज एटीट्यूड इज़ वेरी डिफरेंट, उसका जो रवैया है, उसका जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। नो वन थिंक्स ऑफ एनी अदर ऑक्यूपेशन इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की बात करें तो वहाँ पर कोई भी किसी और प्रोफेशन के बारे में, किसी और ऑक्यूपेशन के बारे में बात नहीं करता है। बट लेकिन मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश में इतनी हिम्मत है कि वो कुछ हटकर सोच रहा है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही विल डू एवरी पॉसिबल थिंग, वो हर संभव, मतलब हर वो काम करेगा टू अचीव हिज गोल, मतलब जो कुछ भी उसे करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। द गैराज, अब चूंकि उसे मोटर मैकेनिक बनने के लिए गैराज जाना होगा सीखने के लिए, तो द गैराज इज फार अवे, वो बहुत ही दूर है उसके जगह से, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से। बट ही सेज, लेकिन वो कहता है दैट कि ही विल गो देयर ऑन फुट, कि वो वहां जाएगा पैदल ही, चला जाएगा, वॉक करके जाएगा, लेकिन जाएगा। यही तो उसकी वेल डिटरमाइंड, इसी कारण से उसको कहा गया है। द रीजन दैट ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन, अब दूसरे स्टांजा में हमने बात करा है, दूसरे पैराग्राफ में, कि आखिर वो अपने ऑक्यूपेशन को, पेशे को बदलना क्यों चाहता है। हमने लिखा है द रीजन दैट ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन, यानी कारण जो कि अपना वो पेशा बदलना चाह रहा है, इज दैट है कि देर आर मेनी हजार्ड्स, बहुत सारे खतरे हैं, परेशानियां हैं, ऑफ वर्किंग एज अ बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर के तौर पर, एक चूड़ी बनाने वाले के तौर पर काम करने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। ही इज ऑल्सो अवेयर, वह इस बात से भी अवगत है दैट देर इज नॉट मच इनकम इन वर्किंग इन ए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि ज्यादा आमदनी नहीं है, इनकम कुछ खास नहीं है इन वर्किंग इन ए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करने का ज़्यादा इनकम भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें फैमिली की स्थिति जो दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। ही डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू हिज फैमिली ऑक्यूपेशन, और कारण यह भी है कि वो अपने इस फैमिली ऑक्यूपेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वो कुछ और ऑक्यूपेशन को लेकर जाना चाहता है। ही हैज सीन हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के सदस्यों को, फैमिली मेम्बर्स को देखा है Losing their eyesight, आंखों की रोशनी खोते हुए। His character is daring, उसका character जो है daring है, मतलब हिम्मत वाला है, and courageous, और साहसी भी है। Although वैसे तो he is not dreaming that big, उसका सपना उतना भी बड़ा नहीं है, yet फिर भी he must be appreciated, यानी उसकी प्रशंसा फिर भी अवश्य की जानी चाहिए। For daring to change his occupation, क्योंकि वो हिम्मत कर रहा है अपने ऑक्यूपेशन को बदलने की, यानी सबसे हटकर कुछ कर रहा है। देयरफॉर, इसीलिए मुकेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यही कारण है कि मुकेश जो है सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, पात्र है इस कहानी का, ऑफ द स्टोरी बाय एनिस जंग के द्वारा लिखी गई इस कहानी लॉस्ट स्प्रिंग का। सो थैंक यू।